लुक ऑफ माइटोसिस थ्रू वन एग्जाम्पल. ओके, सो सबसे पहले तो माइटोसिस में जाने से पहले सेल इंटरफेस के थ्रू पास होती है, जिसमें सेल का क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है. सो दिस इज द डुप्लीकेटेड डीएनए, राइट. ओके, नाउ अब क्या हो रहा है, ये सबसे पहले प्रोफेज में जाती है. प्रोफेज में ये क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटीरियल है, इट इज स्टार्ट कंडेंसिंग. तो जिस तरह से मुझे दिख रहा है, ऐसा कंडेंस होना शुरू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू करता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, और ये मुझे इस तरह से दिखाई देता है. अब क्या होता है, ये मेटाफेज में जाता है. मेटाफेज में क्या होता है, ये इस तरह से इक्वेटर लाइन में अरेंज हो जाते हैं. इक्वेटर लाइन में अरेंज होने के बाद स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, दोनों तरफ से आते हैं स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर इस पर अटैच होते हैं, और इसके काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं, और काइनेटोकोर पे अटैच होने के बाद ये एक दूसरे को दूसरी तरफ खींचते हैं, और इस तरह से ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं. अब ये एनाफेज में जाते हैं, जहाँ पे ये सेपरेट होते जाते हैं, और अल्टीमेटली टीलोफेज में जाके ये वापस डीकंडेंस होकर एक नया डॉटर सेल बनाते हैं और दो नई डॉटर सेल.